करेंगे अगली खबर का। पिज्जा डिलीवरी बॉय के कारण 72 लोगों को दिल्ली में क्वारंटाइन करने के बाद बिलासपुर में अब पुलिस ने जोमैटो की डिलीवरी करने वालों पर नजर रखना शुरू कर दिया है। जोमैटो कंपनी के बॉय को घर घर डिलीवरी करने की परमिशन दी गई है। ऐसे में अगर एक भी डिलीवरी बॉय संक्रमण का शिकार हो गया तो कई परिवारों को संक्रमित कर सकता है। फिर भी इनकी रेगुलर स्क्रीनिंग और मेडिकल जांच नहीं होना पुलिस के लिए चिंता का सबब बन गई है। तो वाइट कर लेंगे सही लोगों को। आप लोग अपने घर से बाहर ना निकले, आपको आपके घर में सुविधा मिल जाए, इसके लिए पुलिस प्रशासन और जोमैटो इस तरह से प्रशासन के जरिए जो किराना सामान और इसके लिए छूट दिया गया है घर पहुंच सेवा कंपनी को, उसके तहत हम लोग अभी काम कर रहे हैं। अभी एहतियात के तौर पे निर्देश नहीं मिला है, लेकिन चूंकि जैसा अन्य लोगों के साथ हमारी टीम या प्रशासन की टीम लगी हुई है उस प्रकार से किया जाएगा। अगर जरूरत पड़े तो इनका टेस्टिंग भी करवा सकते हैं, क्योंकि इनको घर घर जाना पड़ता है, डिलीवरी इनको देनी पड़ती है घरों में जाके, कई प्रकार के लोगों के संपर्क में आ रहे हैं। और इसी पर सारा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता शैलेंद्र पाठक जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, एग्जाम्पल के तौर पर हम देख चुके हैं कि पिज्जा डिलीवरी बॉय को संक्रमण हुआ जिसके चलते बड़ी संख्या में लोगों को क्वारंटाइन किया गया। बावजूद इसके जोमैटो ऐप जो है लगातार एक्टिव है और उस पे जो डिलीवरी बॉय है वो घर घर जाकर लोगों को खाने का सामान दे रहे हैं। क्या कुछ उनके लिए सुविधाएं दी जा रही हैं और क्या कुछ एहतियात बरत रहे हैं वो लोग? दोनों ही चीजें नहीं दिख रही है। वो एहतियात बरत रहे हैं तो केवल उनके पास ये है कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल डिलीवरी के समय करते हैं। अब बाकी जिस तरीके के सुरक्षा के उपाय वो दिखने चाहिए वैसे वो डिलीवरी बॉय के पास भी दिख रहे हैं। जिला प्रशासन ने जो पास जारी किया था इस बारे में गंभीरता उनकी होनी चाहिए कि देने से पहले आखिर इन लोगों की टेस्टिंग हो जाती या इन लोग को पहले एक बार जांच कर लिया जाता तो फिर जाने के लिए इनको ठीक किया जाता तो ज्यादा बेहतर होता। अब ऐसी स्थिति है जबकि अब कई जगहों में अब डिलीवरी कई दिनों से जारी है और अगर कल को कोई स्थिति या परिस्थिति बनती है, हालांकि ऐसा ना हो अपन तो एक प्रार्थना करेंगे, लेकिन अगर ऐसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी जो है जिला प्रशासन की कहीं ना कहीं। हालांकि पुलिस विभाग जरूर ये कह रहा है कि इन लोगों की अभी किसी के बारे में कोई दिशा निर्देश नहीं है। आप बने रहिएगा हमारे साथ में। एएसपी संजय ध्रुव हमारे साथ में जुड़ गए हैं। संजय जी बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। जी नमस्कार जी। सर, पिज्जा डिलीवरी बॉय का तो एक एग्जाम्पल हम देख ही चुके हैं, अब जो जोमैटो के डिलीवरी बॉय है वो घर घर जाकर लोगों को खाने का सामान दे रहे हैं। आप खुद समझ सकते हैं कि कितना बड़ा चैलेंज है और ये अगर कोई एक भी डिलीवरी बॉय कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो आगे जाके एक बड़ी समस्या बन सकता है। तो क्या कुछ एहतियात के तौर पर उपलब्ध कराई गई है? देखिए, निश्चित तौर पर ये एक विषय है मतलब सतर्क होने का उनको भी और हमको भी, और चूंकि इनका घर घर जाना आना हो रहा है और शासन का आदेश भी है इनको मूवमेंट कर सकते हैं ये, इसलिए हम इनको ना सिर्फ अपील कर रहे हैं बल्कि इनके मैनेजर को कल परसों हमने बुलाया था और सभी डिलीवरी बॉय हैं उनको अलग से ब्रीफिंग कराया गया, प्रिकॉशनरी ब्रीफिंग, किस प्रकार से प्रिकॉशन इनको लेना है, साथ में सभी को सैनिटाइजर मास्क आदि वितरित भी कराया गया इनके कंपनी की ओर से। इसके अलावा हम लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि जब इनके द्वारा डिलीवरी होती है तो किस प्रकार से प्रिकॉशन इनको डिलीवर जो जिनको मंगाने वाले लोग हैं उनको किस प्रकार से प्रिकॉशन लेना है और साथ में इनको डिलीवरी देने वाले जो रेस्टोरेंट है उनको हम ब्रीफ कर रहे हैं। तो हमारे सामने तीन प्रकार के लोग हैं, एक डिलीवरी बॉय है, दूसरे डिलीवरी देने वाली जो एजेंसी है या रेस्टोरेंट है, तीसरे रिसीवर हैं। तीनों प्रकार के लोगों को हमने ब्रीफ कर रहे हैं, अपील भी कर रहे हैं और प्रिकॉशन के तौर पर चीजों को भी बताया जा रहा है। जी बिल्कुल संजय जी, ये हर एक इंसान की जिम्मेदारी बनती है, डिलीवरी बॉय से लेकर जो रिसीव करता है उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी एहतियात बरते और जो भी नियम है उसका पालन करे। हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चलिए शैलेंद्र, आपका भी तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।